हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का जो आर डी शर्मा का आपका चैप्टर नंबर फाइव है ना फैक्टराइजेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज़ फ़ाइव पॉइंट फोर कराने वाली हूँ और इसकी आज हम लेवल टू करेंगे इसका मतलब फ़ाइव पॉइंट फोर का लेवल वन प्लस एक्सरसाइज़ फ़ाइव पॉइंट वन टू फाइव पॉइंट थ्री ये सारी इसकी वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है और बाकी जो आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर वन टू फोर हैं वो भी चैनल पे अपलोड है आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है थीके? तो चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज फाइव लेवल टू का क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर करना आपको फैक्ट्राइज है और कुछ नहीं करना जैसे ऊपर के क्वेश्चन में आप करके आए हो लेवल वन में तो पर इसमें आइडेंटिटी चेंज हो गई है यहाँ पर कह रहा है थ्री एक्स माइनस टू वाई का होल क्यूब प्लस टू वाई माइनस फोर जेड का होल क्यूब प्लस फोर जेड माइनस थ्री एक्स का होल क्यूब आपको इसे फैक्टराइज करना है तो देखो हमारे पास ना एक आइडेंटिटी होती है वो क्या कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है ना वो जीरो के इक्वल आती है तो जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है ना वो हमेशा थ्री ए बी सी के इक्वल होता है तो अब बात करते हैं यहाँ पर ये ए बी सी है क्या तो ये जो पूरी टर्म है ये ए है आपके पास ये पूरी टर्म बी है आपके पास और ये पूरी टर्म सी है तो अगर इन तीनों का सम आपका मिला के ज़ीरो आता है तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को किसके इक्वल रख सकते हो मतलब इन तीनों को किसके इक्वल रख सकते हो थ्री ए बी सी के इक्वल रख सकते हो ठीक है तो पहले फिर हम यही चेक कर लेते हैं यहाँ पर तो इसका मतलब थ्री एक्स माइनस का टू वाई प्लस टू वाई माइनस का फोर जेड प्लस फोर जेड माइनस का थ्री एक्स क्या जीरो आ रहा है ये इससे कट गया ये इससे कट गया ये इससे कट गया बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब अब मैं ये कह सकती हूँ कि थ्री एक्स माइनस टू वाई का होल क्यूब प्लस टू वाई माइनस फोर जेड का होल क्यूब प्लस फोर जेड माइनस थ्री एक्स का होल क्यूब जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा थ्री ए बी सी के इक्वल हो जाएगा अब ए की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास थ्री एक्स माइनस का टू वाई बी की वैल्यू है आपके पास टू वाई माइनस का फोर जेड और सी की वैल्यू आपके पास फोर जेड माइनस का थ्री एक्स तो फिर ये इसके इक्वल आ गया पर ये याद रखना ये आइडेंटिटी तभी लगेगी जब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जीरो के इक्वल हो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ठीक है अब आपको इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर यही आपका आंसर है क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं अगेन सेम वही आइडेंटिटी है यहाँ पर भी आपके पास तो अब इसको मैंने ए मान लिया यहाँ पर इसको बी माना पूरे को और इसको सी माना तो पहले मैंने यहाँ पर चेक किया कि क्या मेरा ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो देखो जरा टू एक्स माइनस का थ्री वाई प्लस फोर जेड माइनस का टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस का फोर जेड या पस में कट गया ये कट गया ये कट गया बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वो थ्री ए बी सी के बराबर है ठीक है तो इसका मतलब टू एक्स माइनस का थ्री वाई का होल क्यूब प्लस फोर जेड माइनस टू एक्स का होल क्यूब प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड का होल क्यूब इक्वल हो जाएगा थ्री ए बी सी के थ्री ए की जगह मैंने ए की वैल्यू रख दी बी की जगह मैंने बी की वैल्यू रख दी और सी की जगह मैंने क्या किया यहाँ पर सी की वैल्यू रख दी क्लियर तो यही मेरा आंसर चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन पे अगेन यहाँ पर आइडेंटिटी तो वही लग रही है पहले चेक करना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है या नहीं है ठीक है तो ये मैंने पूरी टर्म अपनी ए मानी है इस पूरी टर्म को बी माना है और इस पूरी टर्म को सी माना है ठीक है चलो लिखते हैं यहाँ पर तो एक्स प्लस टू प्लस वाई प्लस जेड अपॉन थ्री यहाँ आ जाएगा ठीक है प्लस एक्स माइनस थ्री माइनस टू वाई अपॉन में थ्री प्लस का जेड यहाँ आ गया प्लस देखो वहाँ माइनस है तो सीधा मैंने डायरेक्ट माइनस ही लिख दिया है माइनस वाई अप थ्री माइनस का फोर जेड अपऑन थ्री यहाँ आ गया अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे ये तो कट ही नहीं हो रहा तो आप एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लो वाई वाली टर्म्स को एक साथ लो और जेड वाली टर्म्स को एक साथ लो ठीक है तो एक्स वाली टर्म है मेरे पास एक्सअपॉइन टू उसके बाद है मेरे पास यहाँ एक्सअपॉइन थ्री और यहाँ पर है मेरे पास फाइव एक्स अपॉइंट सिक्स वाई वाली टर्म्स में एक वाई है एक माइनस का टू वाई अपॉइंट में थ्री है एक माइनस का वाई एप में थ्री है जेड वाली टर्म में एक जेड एन में थ्री है एक प्लस का जेड है और एक माइनस का फोर जेडापॉइंट में थ्री है अगर मैं यहाँ पर इनका एलसीएम ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास थ्री एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा टू एक्स माइनस का फाइव एक्स हो गया अगेन ये दोनों तो सेम ही है यहाँ पर मैं वन ले लेती हूँ एलसीएम ले लिया तो ये हो गया थ्री वाई माइनस का टू वाई माइनस का वाई हो गया अब यहाँ पर वन ले लिया फिर यहाँ थ्री लिया तो ये हो गया जेड प्लस का यहाँ हो गया थ्री जेड माइनस का यहाँ हो गया फोर जेड तो देखो ये हो गया फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स जीरो आ रहा है प्लस ये भी जीरो आ रहा है प्लस ये भी तो आ रहा है ये जीरो के इक्वल इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये पूरी टर्म जो है वो मेरी थ्री ए बी सी के इक्वल है अब बोल सकती हूँ तो इसका मतलब आपको ये पूरा एज इट इज लिखना है और यहाँ पर आ जाएगा थ्री ए की जगह ए की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ बी की जगह मैंने यहाँ पर बी की वैल्यू रख दी और सी की जगह मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू रख दी क्लियर तो ये मेरा आंसर चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे अगेन यहाँ पर हमारी सेम आइडेंटिटी ही लग रही है पहले हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा क्या ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल है या नहीं है तो मैंने ए माइनस थ्री बी प्लस थ्री बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए ले लिया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, गया जीरो आ गया इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो थ्री ए बी सी के इक्वल है, है ना तो ए क्यूब की वैल्यू ये है मेरे पास बी क्यूब की वैल्यू मेरे पास ये है और सी क्यूब की वैल्यू मेरे पास ये है ये बराबर किसके हो जाएगा थ्री ए बी सी के ए की जगह मैंने ए लिख दिया बी की जगह मैंने बी लिख दिया और सी की जगह मैंने सी की वैल्यू लिख दी क्लियर तो ये मेरा आंसर चलिए आते हैं थर्टीन पे अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी दे रखा है तो इसको थोड़ा सा आपको चेंज करके पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं है आपके पास ठीक है तो टू रूट टू एक क्यूब है इसको आप कैसे लिख सकते हो ऐसे लिखना है कि पूरे पे आप क्यूब लगा सको ऐसे थ्री रूट टू आपके पास क्या है बी क्यूब है, है ना तो देखो अगर आप यहाँ पर रूट टू का क्यूब करोगे तो एक बार टू रूट टू आ जाएगा आ जाएगा ना रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा और एक रूट टू आपके पास बच जाएगा तो सीधा सीधा मैं रूट टू ए का होल क्यूब लिख देती हूँ ऐसे ही यहाँ पर रूट थ्री बी का होल क्यूब लिख देती हूँ प्लस का सी क्यूब ऐसी है माइनस का थ्री ए की जगह मैंने ए की वैल्यू रखी है बी की जगह मैंने बी की वैल्यू रखी है और सी की जगह सी की वैल्यू अब यहाँ आइडेंटिटी यूज़ हो रही है मेरे पास ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का थ्री ए बी सी वो किसके इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जो लेवल वन में हमने यूज़ की थी वही यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए चलो आप आइडेंटिटी में लगाते हैं तो ए की वैल्यू ये है प्लस बी की वैल्यू ये है प्लस सी की वैल्यू आपके पास ये है दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर तो रूट टू ए का स्क्वायर तो टू ए स्क्वायर रूट थ्री बी का स्क्वायर तो थ्री बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी तो रूट टू ए इंटू में रूट थ्री बी माइनस बी इंटू में सी रूट थ्री बी इंटू में सी माइनस सी इंटू में ए क्लियर तो ये हो जाएगा रूट टू ए प्लस रूट थ्री बी प्लस का सी यहाँ आ जाएगा आपके पास टू ए स्क्वायर प्लस का थ्री बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस रूट सिक्स ए बी माइनस का रूट थ्री बी सी माइनस का रूट टू ए सी ये आपका आंसर क्लियर चलिए क्वेश्चन फोर्टीन पे आते हैं यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं थ्री रूट टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस फाइव रूट फाइव सी क्यूब माइनस थ्री रूट फिफ्टीन ए बी सी अगेन इसको आप रूट थ्री ए का होल क्यूब लिखो इसको बी क्यूब रहने दो पर माइनस को यहाँ लिख लो और प्लस यहाँ लगा दो फिर प्लस इसको रूट फाइव सी का होल क्यूब कर दो माइनस वाले को माइनस थ्री ए की जगह ए की वैल्यू बी की जगह बी की वैल्यू सी की जगह सी की वैल्यू क्लियर अब आइडेंटिटी में लगाते हैं तो आइडेंटिटी थी मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी वो किसके इक्वल हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए ठीक है थीके? तो चलिए रखते हैं यहाँ रूट थ्री ए प्लस माइनस का बी ले लेती हूँ सीधा और माइनस का फाइव रूट सी ले लेती हूँ दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब फाइव सी स्क्वायर ठीक है प्लस ए बी तो रूट थ्री ए इंटू में माइनस का बी प्लस बी सी तो माइनस का बी माइनस का रूट फाइव सी प्लस का सी ए माइनस का रूट फाइव सी ए की जगह रूट थ्री ए तो यह आ जाएगा रूट थ्री ए माइनस का बी माइनस का रूट फाइव सी यहाँ आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का फाइव सी स्क्वायर अब यहाँ आ जाएगा माइनस का रूट थ्री ए बी ये हो जाएगा प्लस का रूट फाइव बी सी ये हो जाएगा माइनस रूट फिफ्टीन ए सी ये आपका आंसर क्लियर चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे अगेन यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी लग रही है तो इसको लिख देते हैं टू ए का होल क्यूब अब देखो यहाँ पर सिक्सटीन है और रूट टू है साथ में तो सिक्सटीन जो है अगर हम यहाँ पर देखें तो सिक्सटीन किसका होता है एट टू जो होता है ना तो इसको मैंने कह के ये लिख दिया एट इंटू में टू रूट टू बी क्यू अभी इसे चेंज नहीं किया है ठीक है यहाँ पर आ जाएगा ट्वेल्व ए बी सी अब ये तो मेरा यहाँ पर रूट टू है रूट टू ए का होल क्यूब ही रहेगा ठीक है अब इसको आप क्या कर सकते हो कैसे चेंज करोगे तो देखो अगर आप इसको टू रूट टू b का होल क्यूब लिख लो तो ठीक है ना क्योंकि टू का क्यूब एट हो जाएगा और रूट टू का क्यूब टू रूट टू हो जाएगा b का क्यूब बी क्यूब हो जाएगा ठीक है माइनस का ट्वेल ए बी सी हो गया अब फॉर्मूले में पुट करते हैं अपनी आइडेंटिटी में तो आपके पास होता है ए प्लस बी प्लस सी तो ए आप पे ये है बी आपके पास ये है और सी आपके पास ये है ए स्क्वायर मतलब रूट टू ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब टू रूट टू बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर ठीक है उसके बाद अच्छा एक सेकेंड हमने पीछे वाले क्वेश्चन में शायद से आइडेंटिटी में थोड़ी सी गलती कर दी है अब वो गलती एक सेकेंड उससे पीछे वाले में भी की है हमने नहीं देखो यहाँ आइडेंटिटी में माइनस है इसका ध्यान रखना थोड़ा मैंने गलती से यहाँ प्लस लगा दिया है तो ये आपके पास यहाँ माइनस होगा ये माइनस होगा और ये माइनस होगा अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस ये माइनस का ही रहेगा और माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा तो साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ आइडेंटिटी में गलत लग गया था चलिए फिफ्टीन वाले में करते हैं तो माइनस का ए बी तो इसका मतलब रूट टू ए और बी की जगह मैंने लिख दिया टू रूट टू बी माइनस का बी सी टू रूट टू बी और सी की जगह ये आ गया माइनस का ए सी तो ये आ गया यहाँ पर क्लियर अब आ जाएगा रूट टू ए प्लस टू रूट टू बी प्लस का सी यहाँ पर आ जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू टू जो फोर इंटू में टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर अब देखो यहाँ माइनस है अब रूट टू रूट टू 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 जो फोर ए बी ठीक है अब यहाँ देखो ये आ जाएगा आपके पास माइनस टू रूट टू बी सी यहाँ आ जाएगा माइनस रूट टू ए सी एक स्टेप और लेना पड़ेगा तो ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज लिखा है ठीक है यहाँ आ जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा एट बी स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का फोर ए बी आ जाएगा माइनस का आपके पास आ जाएगा टू रूट टू बी सी ठीक है उसके बाद माइनस का आ जाएगा रूट टू ए सी अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा यही आपका आंसर क्लियर चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे यहाँ आपसे क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का ट्वेल्व एक्स वाई प्लस का सिक्सटी फोर x एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस फोर अब इसमें पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का ट्वेल्व एक्स वाई है प्लस का सिक्सटी फोर है इसकी वैल्यू निकालनी है देखो ये मेरा ए क्यूब बन गया ये मेरा बी क्यूब बन गया इस सिक्सटी फोर को मैंने फोर का क्यूब लिख दिया ठीक है माइनस थ्री ए बी सी थ्री ए की जगह ए बी की जगह बी सी की जगह सी सॉल्व करके ट्वेल्व एक्स वाई ही आ रहा है तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ इसमें मेरी वही आइडेंटिटी लग रही है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू में ए प्लस बी प्लस सी यहाँ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है तो चलो वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस फोर ठीक है यहाँ ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस ए बी आ जाएगा माइनस का बी सी आ जाएगा माइनस का सी ए आ जाएगा अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू माइनस फोर दे रखा है मुझे पुट कर दिया ये मैंने एज इट इज लिखा इसको चेंज नहीं किया मैंने यहाँ ठीक है अब ये तो सॉल्व होके जीरो बन गया ना ये अभी भी एज इट इज़ लिखा है ठीक है तो ये तो पूरा जीरो ही आ गया तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई वो आ गई आपके पास जीरो थीके? तो आपका आंसर था जीरो तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.4 साथ के साथ आपका ये चैप्टर आर डी शर्मा से कंप्लीट हो गया है पूरा चैप्टर हमने कर लिया है सारी एक्सरसाइज प्लस उनके लेवल्स जो है वो चैनल पे अपलोड हैं सबकी प्लेलिस्ट बनिए आप अच्छे से कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिक्स को स्टार्ट करेंगे इसमें कहीं भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू